हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसे आप लोग ADMM+ भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जान लेते हैं, और आपका आसियान क्या है इसके बारे में भी कुछ बात कर लेंगे हम लोग। वैसे याद रखिए, आपके जितने भी संगठन हैं उन्हें हम लोग, फिर राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय हों, उन सबको कवर कर चुके हैं। और प्लेलिस्ट सूची में जाइए, वहां बहुत कुछ मटेरियल हो चुका है उपलब्ध, देखते रहिए। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ADMM+ की 10वीं वर्षगांठ पर वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर बल दिया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही क्या है, शांति प्रिय देश है। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और नीचे आप देखेंगे ये आपका पड़ोसी श्रीलंका, ये आपका पड़ोसी म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ठीक है, ये बीच में ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो वियतनाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वियतनाम की राजधानी जो हनोई है, कहाँ है, क्या है, हनोई में इसमें आयोजित किया गया है। ये आपकी हनोई, वियतनाम की राजधानी। और वैसे याद रखिए, अभी जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसमें ऑनलाइन हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि आपने देखा है लॉकडाउन, कोरोना महामारी ने जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे हैं। तो लेकिन वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन हुई है, ठीक है, वियतनाम के हनोई में, याद रखिए। और ये 10वीं है। वार्ता के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो अपने संबोधन के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने एशिया में एक बहुलवादी सहकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बातचीत और सामंजस्य को बढ़ावा देने में आसियान केंद्रित मंच की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की है। उन्होंने रणनीतिक संवाद और व्यवहारिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में पिछले एक दशक में ADMM+ की सामूहिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत, आतंकवाद निरोध और शांति रक्षा अभियानों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सर्वोत्तम विचलनों को साझा करने में 7 विशेषज्ञ कार्य समूह की उपलब्धि की सराहना की है। और याद रखिए, आपदा हो कोई भी, फिर चाहे आपकी समुद्री सुरक्षा की बात हो, मानवीय सहायता की बात हो, आतंकवाद की बात हो, ये सभी सभी के कॉमन मुद्दे हैं, समझ रहे हैं, दुनिया में कोई भी देश है, सबके कॉमन मुद्दे ही दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विशेष रूप से कई पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली और समावेशी व्यवस्था कायम करने, देशों की अखंडता, बातचीत के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों व कानूनों का पालन करने आदि पर जोर भी दिया है। उन्होंने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल में सभी के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता हेतु भारत के समर्थन को दोहराया है। एक बात और याद रखिए, आप लोग देखते होंगे दक्षिण चीन सागर की बात करते हैं जब हम लोग, तो यहाँ क्या है कि चाइना आजकल वही विस्तारवादी नीति अपना रहा है जो आपने देखा होगा अंग्रेजों के समय अपनाई जाती थी। आज आपको देखने को मिलेगा कि चाइना की जितने भी देशों से सीमा लगती है, लगभग सबसे ही सीमा विवाद चल रहा है उसका, समझ रहे हैं। तो चीन दक्षिण चीन सागर पर भी पूरी तरह से कब्जा की बात करता रहता है चाइना। तो इसे इसी ओर एक तरह से डायरेक्शन है हमारे रक्षा मंत्री साहब का। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात करें, ADMM क्या है, तो 10वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी की रणनीति अपनाई गई, जिसके तहत वार्षिक ADMM के गठन की योजना बनाई गई। और ADMM की पहली बैठक 9 मई 2006 को कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी। तो याद रखिए कब पहली मीटिंग इसकी बैठक हुई, 9 मई 2006 को कुआलालंपुर में हुई थी। आसियान के सभी सदस्य देश ADMM के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य आसियान देशों में रक्षा के क्षेत्र में बातचीत और सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें ADMM+ की, ये क्या है, ADMM+ की स्थापना सन 2007 में सिंगापुर में आयोजित ADMM की दूसरी बैठक में ADMM+ की स्थापना हेतु संकल्पना पत्र अपनाया गया था। ADMM+ आसियान और इसके वार्ता साझेदार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास हेतु सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। ADMM+ के साझेदार देशों में बात करें तो आसियान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। आसियान के अलावा अन्य को सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में
संदर्भित किया जाता है। आप देखेंगे आप किसी फ्रेंड है आपके सर्कल, उसमें आप देखेंगे 10 मेंबर है मान लीजिए, तो पहले आप क्या करेंगे उसे कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि आपने कुछ भी नाम दे दिया एक्स वाई जेड, जैसे ही उसमें और कुछ शामिल होते जाएंगे और उससे जुड़ते जाएंगे तो आप क्या कर देंगे प्लस लिख देंगे, मतलब और भी इसके अलावा इसमें शामिल है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी किया गया है। एडीएमएम प्लस के तहत सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो एडीएमएम प्लस के तहत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के निम्नलिखित 5 क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गई है, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता, आपदा राहत, शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा, इन सबको याद रखिए। अगर आसियान के बारे में हम लोग बात करें तो आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना की बात करें तो 6 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा, कहां, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, देखिए ये आपका प्यारा इंडोनेशिया, अब आपका सबका ही प्यारा है। ठीक है, यही है इसका। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य आप जानते हैं कि कोई भी संगठन बनाया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य भी तो होता है, तो इसमें उद्देश्य की बात करें तो सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता को कायम रखना, साथ ही विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो, इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके सेक्रेटरी जनरल आसियान द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को लागू करवाने और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कितना, 5 वर्ष का। ठीक, तो यही है आसियान की जो भी अभी हुआ है, आप एडीएमएम प्लस की जो भी बैठक हुई है उसके बारे में जो भी पॉइंट है ना याद रख सकते हैं आप लोग, और आसियान के बारे में भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और जा रहे हैं और जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग।